I hope you all are doing great. I'm Kanchan Mankoti, your EVS teacher from DPS Haldwani Ramachaur. So dear students, today we are going to start new chapter in EVS, that is chapter number 24, Web of Life. Okay, so in this chapter we are going to discuss about types of animals and their food habits. Okay, so here I'm starting this chapter. Okay, as we all know that there are different types of एनिमल्स ओके जैसा कि हम सबको पता है कि अलग अलग तरह के क्या होते हैं एनिमल्स होते हैं ओके सो दे हैव डिफरेंट साइजेस ओके देयर हैबिट्स आर डिफरेंट एंड देयर फीचर्स आर आल्सो डिफरेंट ओके क्या होते हैं जो साइज में भी डिफरेंट होते हैं ओके उनकी हैबिट्स अलग होती हैं और उनके फीचर्स भी अलग अलग होते हैं ओके एज वी ऑल नो दैट एनिमल्स सच एज द एलिफेंट and hippopotamus are big okay jo elephant and hippopotamus hai wo kya hai wo big animals hai okay and animals such as the mouse and rabbit are small okay aur jo animals hai mouse and rabbit wo kya hai wo small animal hai okay some animals are tiny such as ants and caterpillars okay कुछ एनिमल्स क्या होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं लाइक आंट्स एंड कैटरपिलर्स एंड सम आर सो टाइनी दैट वी कैन नॉट सी देम विद आवर आईज ओके और कुछ एनिमल्स तो इतने छोटे होते हैं कि उन्हें हम अपनी आंख से भी नहीं देख सकते हैं वी नीड अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ माइक्रोस्कोप टू सी देम ओके और उन एनिमल्स को देखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है क्योंकि हम उन्हें अपनी सिंपल अपनी आई से नहीं देख सकते हैं ओके वाइल्ड एनिमल्स सच एज चीता कैन रन अ वेरी फास्ट सम लाइक द टॉर्टोइस मूव स्लोली ओके कुछ एनिमल्स लाइक जो चीता है वो बहुत तेज दौड़ता है ओके और कुछ एनिमल्स हैं लाइक टॉर्टोइस वो बहुत ही धीरे चलता है ओके बर्ड्स एंड बटरफ्लाईज फ्लाई इन द स्काई जो बर्ड्स और बटरफ्लाई होती हैं वो स्काई में क्या करती हैं वो उड़ती हैं स्नेक्स एंड अर्थवर्म्स क्रॉल ऑन द ग्राउंड ओके और जो स्नेक और जो अर्थवर्म होते हैं वो ग्राउंड पे क्रॉल मीन्स वो रेंगते हैं ओके Each animal is unique and special in its own way, okay? और हर एक एनिमल अपने आप में क्या है वो स्पेशल है और वो यूनिक है ओके नाउ नेक्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अबाउट वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल ओके सो सम एनिमल्स लिव इन द जंगल कुछ एनिमल्स जंगल में रहते हैं दे आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स तो उन्हें हम क्या बोलते हैं उन्हें हम बोलते हैं वाइल्ड एनिमल्स ओके लायन टाइगर चीता वाइल्ड बोर गोरिल्ला एंड जैकल आर सम वाइल्ड एनिमल्स ओके सो लायन टाइगर चीता गोरिल्ला जैकल ये सब क्या है ये सब के सब वाइल्ड एनिमल्स हैं, ओके वी कैन ऑल्सो सी वाइल्ड एनिमल्स इन द जू ओके और हम वाइल्ड एनिमल्स को और कहाँ देख सकते हैं जू में भी देख सकते हैं वाइल्ड एनिमल्स लीड अ फ्री लाइफ एंड हंट फॉर देयर ओन फूड ओके जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनकी लाइफ कैसी होती है वो बिल्कुल फ्री लाइफ जीते हैं और वो अपने लिए खाना खुद ही ढूंढते हैं सम वाइल्ड एनिमल्स आर फेरोशियस एंड कैन इवन किल एंड ईट ह्यूमन बींग्स ओके तो कुछ वाइल्ड एनिमल्स वो बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकते होते हैं और वो ह्यूमन बीइंग को भी मार के वो उनको भी खा सकते हैं ओके नाउ नेक्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अबाउट डोमेस्टिक एनिमल्स ओके सम एनिमल्स लिव विथ ह्यूमन बीइंग्स इन देयर होम्स ओके कुछ एनिमल्स क्या करते हैं वो हमारे साथ हमारे ही घरों में रहते हैं They are called domestic animals. तो उन्हें हम क्या बोलते हैं उन्हें हम domestic animals बोलते हैं They depend on humans for their food and shelter. और वो अपने खाने के लिए किस पे डिपेंड रहते हैं वो अपने खाने के लिए ह्यूमन बींग्स मीन्स हम पे वो डिपेंड रहते हैं Humans also get many important things from them.
और ह्यूमन बीइंग्स मींस हमें भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें किससे मिलती हैं, इन एनिमल्स से मिलती हैं। सम एनिमल्स आर केप्ट इन आवर होम्स एज आवर फ्रेंड्स एंड कंपेनियंस, ओके। और कुछ एनिमल्स को हम अपने घरों में रखते हैं एज अपने फ्रेंड और कंपेनियंस की तरह, दे आर कॉल्ड पेट्स। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पेट्स। डॉग्स, कैट्स, रैबिट्स एंड फिश इन द एक्वेरियम आर कॉमन पेट्स, ओके। और जो डॉग्स हैं, कैट है, रैबिट और फिश, इन्हें ये सब क्या है, ये कॉमन पेट्स है, ओके। अगेन आई एम टेलिंग यू द डिफरेंस बिटवीन द वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, प्लीज पे अटेंशन हियर। सो सम एनिमल्स लिव इन द जंगल, कुछ एनिमल्स कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं। दे आर कॉल्ड व्हाट, दे आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स, ओके। लाइक लायन, टाइगर, चीता, गोरिल्ला एंड जैगल, दे ऑल आर व्हाट, दे ऑल आर वाइल्ड एनिमल्स, ओके। एंड वी कैन ऑल्सो सी वाइल्ड एनिमल्स इन द जू, ओके। और हम लोग वाइल्ड एनिमल्स को कहाँ देख सकते हैं, जू में भी देख सकते हैं। वाइल्ड एनिमल्स लीड अ फ्री लाइफ एंड हंट फॉर देयर ओन फूड, ओके। सम वाइल्ड एनिमल्स आर फेरोशियस एंड कैन इवन किल एंड ईट ह्यूमन बींग्स, ओके। नेक्स्ट थिंग इज डोमेस्टिक एनिमल्स। सो सम एनिमल्स लिव विद ह्यूमन बींग्स इन देयर होम्स, दे आर कॉल्ड व्हाट, दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। दे डिपेंड ऑन ह्यूमन्स फॉर देयर फूड एंड शेल्टर। ह्यूमन्स ऑल्सो गेट मैनी इंपॉर्टेंट थिंग्स फ्रॉम देम, ओके। एंड सम एनिमल्स आर केप्ट इन आवर होम्स एज आवर फ्रेंड्स एंड कंपेनियंस, दे आर कॉल्ड व्हाट, दे आर कॉल्ड पेट्स। डॉग्स, कैट्स, रैबिट्स एंड फिश इन द एक्वेरियम आर कॉमन पेट्स, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अबाउट दैट वेयर एनिमल्स लिव, ओके। सो लाइक अस एनिमल्स ऑल्सो नीड शेल्टर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड अदर डेंजर्स, ओके। हमारी ही तरह जो बहुत सारे एनिमल्स हैं, सबको क्या जरूरत होती है, शेल्टर की जरूरत होती है अपने आप को। हीट मींस गर्मी से बचाने की, कोल्ड मींस ठंड से बचाने की, रेन मींस बारिश से बचाने की, और अलग अलग तरह के डेंजर से बचाने की उन्हें भी जरूरत होती है। तो उन्हें किसकी जरूरत होती है, शेल्टर की, ओके। एज वी ऑल नो दैट डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस, ओके। सो अलग अलग एनिमल जो होते हैं वो अलग अलग प्लेसेस में रहते हैं। एज वी ऑल नो दैट फिश लिव इन वॉटर, ओके। हम सबको पता है कि फिश कहाँ रहती है, फिश वॉटर में रहती है, ओके। रैबिट्स लिव इन बरोज, रैबिट्स कहाँ रहते हैं, बरोज में रहते हैं। लायंस, टाइगर्स, बैट्स एंड बियर्स लिव इन केव्स और डेंस, ओके। जो लायन, टाइगर, बैट्स और बियर हैं वो किस में रहते हैं, वो गुफा में रहते हैं, ओके। एंड स्नेक्स लिव इन होल्स इन द ग्राउंड, ओके। और स्नेक किस पे रहते हैं, ग्राउंड में, वो लोग होल में रहते हैं। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट ऑन ट्रीज, ओके। और बर्ड्स क्या करती हैं, अपना नेस्ट किस पे बनाती हैं, वो ट्रीज पे बनाती हैं। मंकीज लिव ऑन ट्रीज, और जो मंकीज होते हैं वो किस पे रहते हैं, वो ट्रीज पे रहते हैं। आउल्स लिव इन होल्स इन द ट्री ट्रंक्स, ओके। और आउल किस पे रहते हैं, ट्री ट्रंक पे, जो होल वो लोग बना के उसमें रहते हैं। बीज बिल्ड हाइव्स, ओके। एंड स्पाइडर्स वीव वेब्स, जो स्पाइडर्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, अपना जाल बुनते हैं, ओके। आंट्स बिल्ड आंट हिल्स एज शेल्टर्स, ओके। और जो आंट्स होती हैं वो क्या करती हैं, अपना आंट हिल बनाती हैं। अ टॉर्टोइज शेल इज इट्स प्रोटेक्टिव शेल्टर, ओके। और जो टॉर्टोइज है उसका जो शेल है, क्या उसका वो प्रोटेक्टिव, वो शेल है जिसमें वो रहता है, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग इज डोमेस्टिक एंड फार्म एनिमल्स ऑल्सो हैव शेल्टर्स, लाइक डॉग्स लिव इन कैनल्स, ओके। हॉर्सेज लिव इन स्टेबल्स, काउज लिव इन काउ शेड्स, पेट फिश लिव इन एक्वेरियम एंड हेंस लिव इन कूप्स, ओके। अगेन आई एम रिपीटिंग इट, प्लीज पे अटेंशन हियर, दैट फिश लिव इन वॉटर, ओके।
rabbits live in burrows, lions, tigers, bats and bears live in caves or dens, okay, and snakes live in holes in the ground, and birds build nests on trees, monkeys live on trees, owls live in holes in the tree trunks, and bees build hives, spiders weave webs, and ants build anthills as shelters, and a tortoise shells is its protective shelter, okay, and dogs live in kennels, and horses live in stables, cows live in cow sheds, and pet fish live in an aquarium, and hens live in coops. Is it clear to everyone?